2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए पूरा विपक्ष एक होने की कवायद में है और यही वजह है कि सभी पार्टियां एकजुट होकर एनडीए को टक्कर देने की रणनीति पर काम कर रही हैं। लिहाजा पटना के बाद अब बेंगलुरु में विपक्ष की तमाम पार्टियां एकजुट होने के लिए पहुंच रही हैं, लेकिन उससे पहले शहर की सड़कों पर सभी पार्टियों के पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पटना की मीटिंग में ऐसा बताया जा रहा था कि कांग्रेस से आम आदमी पार्टी नाराज थी और इसीलिए अरविंद केजरीवाल मीटिंग को छोड़कर दिल्ली चले गए थे। कारण था कि आप चाहती थी कि विपक्ष केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आपका समर्थन करे। इसको लेकर कांग्रेस और आपके बीच बयानों का दौर भी चला, लेकिन बीते दिन कांग्रेस ने आपको समर्थन देने का फैसला किया, जिसके बाद अब विपक्ष की मीटिंग में आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी। इस कवायद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की तमाम बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से और उनके नेताओं से इस राष्ट्र विरोधी कानून को सदन के भीतर देश की संसद में हराने के लिए समर्थन मांगा और देश की कई बड़ी पार्टियों ने हमारा साथ दिया और इस देश विरोधी अध्यादेश के खिलाफ में अपना योगदान दिया। तृणमूल कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक, जेडीयू से लेकर डीएमके तक, बीआरएस से लेकर एनसीपी तक, समाजवादी पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना तक, सीपीआई, सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तमाम बड़ी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे इस राष्ट्र विरोधी दिल्ली अध्यादेश के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करी और संसद के भीतर इस कानून को हराने के लिए अपने योगदान की बात रखी। इसी श्रृंखला में आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए इस दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्ज कराया है। हम कांग्रेस पार्टी की इस अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलोर में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी। हालांकि कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल से जब विपक्ष की मीटिंग और अध्यादेश को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वो यानी आम आदमी पार्टी कल बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। जहां तक अध्यादेश का सवाल है, हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है, हम उसका समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। पटना वी हैड अ फ्रूटफुल मीटिंग, बेसिकली अ बिगिनिंग ऑफ अ जॉइनिंग ऑफ लाइक माइंडेड ऑपोजिशन पार्टी फॉर 2024। नाउ दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पटना मीटिंग, वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर 2024 इलेक्शन। Which ordinance, sir? Delhi government, Aam Aadmi Party. Brother, I told very clearly, whether it is Delhi ordinance, anything in the form of sabotaging federalism in this country, and we will not support that. The way in which this government of India is trying to sabotage the federalism, and by using the powers of governors and lieutenant governors, bypassing the state government is not at all acceptable for the Congress. Therefore, we will oppose such movement definitely in the parliament. ठीक इसी तरह का बयान कांग्रेस बंगाल के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में पीएम मोदी की सरकार एक के बाद एक कई अध्यादेश लेकर आई है। हर अध्यादेश पर कांग्रेस पार्टी ने किसी न किसी तरह से आपत्ति जताई है। हम नहीं चाहते कि कोई कानून अध्यादेश के जरिए पारित हो, बल्कि मोदी जी की सरकार पिछले कई सालों से एक के बाद एक अध्यादेश सदन के अंदर लाते रहते और हर अध्यादेश पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे विरोध हम सदन के अंदर दर्ज कराते रहते। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग नहीं चाहते कि अध्यादेश की जरिए कोई भी कानून पारित
वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने मीटिंग को 2024 के लिए बेहद जरूरी बताते हुए कहा कि सभी दलों का दृढ़ संकल्प है कि हमें लड़ना होगा और बीजेपी को सत्ता से हटाना होगा। इस संकल्प को और अधिक आगे बढ़ाया जाएगा। दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता। यस, देयर इज अ मीटिंग ऑफ ऑल सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टीज इन बेंगलुरु। दैट मीटिंग इज ऑन 17th एंड 18th. This is second meeting after Karnataka elections. There was a meeting in Patna after Karnataka elections, and that meeting was attended by 15 and more parties. And Bengaluru meeting is next meeting. I hope there will be more parties attending, and all parties are of the strong resolve that we'll have to fight and remove BJP from power, and this resolve will be taken further with more determination and commitment. हालांकि विपक्ष की इस मीटिंग पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष की इस मीटिंग पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो लोग कभी एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वो आज सभी एक हो रहे हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये पार्टियां मोदी के विजय रथ को रोक नहीं पाएंगी। देखिए, दरअसल जिसको तथाकथित विपक्षियों का गठबंधन कहा जा रहा है, ये गठबंधन मुद्दा रहित है। जो लोग एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती हुई भारी लोकप्रियता से घबराकर अपने अपने सिद्धांत, नीतियां और विषयों को छोड़कर एक दूसरे के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि जब भी गठबंधन बिना विषय के होता है और बेमेल गठबंधन होता है, तो वो निश्चित रूप से कभी मेल में नहीं बदल सकता। सर, दिल्ली ऑर्डिनेंस का कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस की। अरे देखिए, प्रतिपक्ष का काम है विरोध करना, हम लोगों का काम है देश को बचाना। देश को बचाने के लिए जो कानून बनाने की आवश्यकता है, वो भारत सरकार बना रही है। खैर, भले ही मोदी को 2024 के चुनाव में रोकने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, और इसी का नतीजा है कि बीजेपी एनडीए के घटक दलों की मीटिंग दिल्ली में बुलाने जा रही है। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी इस मीटिंग में उन पार्टियों को भी बुलाने का मन बना रही है जो कभी एनडीए के साथ हुआ करती थी। खैर, चुनावी माहौल है, पार्टियां अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि जनता के मन में कौन सा दल विश्वास जगा पाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।